नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये आपके सवाल का 39th एपिसोड है और जैसा कि आप जानते हैं, आपका सवाल एपिसोड के अंदर मेरा जो लेटेस्ट वीडियो होता है लास्ट डे का, उसके अंदर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेश्चन पूछते हैं उसका मैं आपको यहाँ आंसर देने की कोशिश करता हूँ। जैसे दोस्तों, कल यानी 4 जून 2020 को मैंने जो वीडियो अपलोड किया था, केसकरस है जो कि हर प्रकार की कब्जी की एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, उसके अंदर कमेंट सेक्शन में आपने जो मुझसे क्वेश्चन पूछे उनका मैं आंसर देने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, अगर आप इस चीज कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आप किस तरह से पूछ सकते हैं। अगर आपने भी यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके, उसके लिए बेल आइकॉन भी दबा लें। और दोस्तों, ये जो टॉपिक है इसके अंदर हम कौन कौन सी बीमारियों के बारे में बात करने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं। हम लोग पुराने जो सिर दर्द हो रहा है और पुरानी टाइफाइड की हिस्ट्री है, अगर हेमोग्लोबिन कम है उसके बारे में बात करने वाले हैं, आपको अगर किडनी में स्टोन है राइट यूरेटर के अंदर तो उसकी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, खाने पीने के बाद बहुत ज़्यादा डकार आना, गैस बनना, उसके बारे में हम बात करेंगे, और कोई न्यूली मैरिड आदमी है उनको अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है और कंसीव नहीं हो पा रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, हेयर ग्रोथ नहीं है फीमेल्स के अंदर, महिलाओं के अंदर किसी को अगर हेयर ग्रोथ नहीं हो रही तो उसके बारे में हम बात करेंगे, और चेस्ट में लेफ्ट साइड में पेन रहता है, कटक कटक सी आवाज़ आती है, इस तरह से कुछ सिम्टम्स होते हैं, बहुत से लोगों को ये होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक क्वेश्चन है मनोज जी का, लिखते हैं कि सेक्स की बिल्कुल इच्छा नहीं होती, उसके बारे में बात करेंगे। एक क्वेश्चन है इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमेच्योर इजेकुलेशन का, उसके बारे में हम बात करेंगे। प्राइवेट पार्ट में खुजली है, लाली है, उसकी बात करेंगे। एडी में दर्द के बारे में बात करेंगे। 50 ईयर्स की एज में इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, उसके बारे में बात करेंगे। होम्योपैथिक दवा कब तक लेना चाहिए, शुरू तो कर ली बंद कब करना है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले। और स्टूल यानी मल के साथ में म्यूकस आ रहा है, चिकनाहट बहुत ज़्यादा आ रही है, कभी कभी ब्लड भी आता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। और 12 साल का बेटा है, वो मेंटली रिटार्ड है, बहुत से बच्चे आते हैं जिनका मानसिक विकास प्रॉपर नहीं हो पाता, कईयों का शारीरिक विकास भी नहीं हो पाता, तो यहाँ मानसिक विकास की हम लोग बात कर रहे हैं। केसकरस से एक जो मेडिसिन थी उसके साथ हाइड्रेस्टिस्क्यू ले सकते हैं क्या, और डायबिटिक पेशेंट्स कालीफोस ले सकते हैं क्या, एच पाइलोरी के कारण पेट में बहुत सी तकलीफ होना, एसिडिटी, गैस, डकार, पेट फूला, उसके बारे में बात करेंगे, और फोरफ्ले के समय इरेक्शन खत्म हो जाता है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई पर्सनल टॉपिक है तो मैं एडवाइस करूंगा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ऊपर जाके उसको सर्च करें, आपको पूरा वहां पर मिल जाएगा। अगर नहीं मिले तो आप मेरे से पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है पूजा जी का, लिखते हैं एज 26 ईयर से पूरे सिर में दर्द होता है और बहुत तेज है, पहले टाइफाइड भी था और हेमोग्लोबिन भी कम था। देखिए, हेमोग्लोबिन जब कम होता है, टाइफाइड की हिस्ट्री होती है, तो उसके बाद कई बार ऐसा देखने को मिलता है। सबसे पहले एडवाइस करूंगा आप अपनी डाइट को सुधारें, वापस खाने पीने में ऐसी चीजें लें जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, जो आराम से हजम हो जाए। ज्यादा ग्रिस्ट भोजन नहीं लीजिए, हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह ज्यादा लीजिए, दूध वगैरह आप ज्यादा लीजिए, और आयरन बढ़ाने वाली चीजें जो है वो ज्यादा लीजिए, जिससे आपका हेमोग्लोबिन रिकवर हो और टाइफाइड में थोड़ा वीक हो जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उसको रिकवर करने के लिए मदद करें। मेडिसिन की मैं बात करूं तो आपको फेरमफोस लेनी चाहिए 6x के अंदर, उसकी 2-2 गोली दिन में 3 बार लीजिए, और आपको एक बैप्टीसिया को 30 पावर में सुबह शाम कुछ समय तक ले लेना चाहिए। 2 मेडिसिन है उसको सप्ते में 1-1 बार लेना, एक तो स्पाइजेला 1 ml एवरी संडे लेनी है, और सैंग्यूनेरिया कैन उसको 1 ml एवरी वेडनेसडे, तो ये 2 टैबलेट है, स्पाइजेला 1 ml एवरी संडे, सैंग्यूनेरिया कैन 1 ml पावर में आएगी उसको एवरी वेडनेसडे, और आपको फेरमफोस 6x 2-2 गोली रोज लेना है, और बैप्टीसिया 30 पावर में सुबह शाम लेना है। आप देखेंगे महीने भर के अंदर इन चीज़ों में काफ़ी सुधार आने लगेगा, जब आराम पड़ जाए, दवाइयाँ बंद कर दें, कभी वापस लगे कुछ आया है तो वापस कुछ डोज लेके फिर बंद कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुण कुमार जी का, लिखते हैं राइट यूरेटर में। दोस्तों, यूरेटर होता है कि जब आपकी किडनी गुर्दे के नीचे जो आपका यूरिन वाला जो पाइप आता है उसको यूरेटर कहते हैं, यानी गुर्दे की पथरी रूटीन में कह देते हैं ये यूरेटर, गुर्दे से थोड़ा बाहर आ गई, वहाँ 12 mm का स्टोन है। देखिए अरुण जी, क्या होता है यूरेटर में कई बार अगर वहाँ फंस जाता है स्टोन तो तकलीफ करता है, दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस भी होने लगता है, लेकिन अगर कोई तरह की तकलीफ नहीं है और आपकी सोनोग्राफी रिपोर्ट्स और बाकी टेस्ट वगैरह सब कंफर्टेबल है, तो कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जो इसके लिए मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ, जैसे लाइकोपोडियम 1 ml पावर में बहुत अच्छी मेडिसिन है, उसको रोज सुबह सुबह दिन में 1 बार लेना चाहिए। हाइड्रेंजिया मदर टिंचर की 15-15 बूंद दिन में 3 बार लेनी चाहिए। बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर की 15-15 बूंद दिन में 3 बार लेना चाहिए। और थैलेसपी बुरसा मदर टिंचर आएगा उसकी 15-15 बूंद दिन में 3 बार लीजिए। पानी बहुत ज्यादा पीजिए, पानी जितना ज्यादा लेंगे उतना फायदे में। अगर कोई इमरजेंसी या ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो ये मेडिसिन आपकी हेल्प करती है, और कई बार इमरजेंसी होती है, दर्द ज्यादा होता है, कहीं जाके अटक जाता है, तो सर्जरी भी यूरेटर में फंसने के बाद करानी पड़ सकती है, तो क्या है उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय बालाजी का, लिखते हैं खाने पीने के बाद बहुत ज्यादा डकार आता है। देखिए खाने पीने में एक तो आप जो है थोड़ा सा देखेंगे हल्की चीजें लें, और अगर ये बहुत लंबे समय से आपके साथ ऐसा हो रहा है इस तरह का, और अगर आपने सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड या यूएसजी जो हम कुछ भी कहें अगर वो नहीं कराए तो एक बार एडवाइस करूंगा वो जरूर करवा लें। बहुत सी बार देखते हैं कि किडनी के अंदर जैसे स्टोन होता है इसी तरह से गाल स्टोन, पित्त की थैली में पथरी भी होती है, तो उसके कारण भी ऐसी बदहजमी और ये सारी चीजें होती है, तो वो भी आप करवा सकते हो। और रूटीन में दो मेडिसिन है जो आपकी अच्छी हेल्प करेगी, कार्बोवेज को 200 पावर में रोज सुबह सुबह दिन में एक बार लीजिए, और एक अर्जेंटम नाइट्रिकम आएगी उसको 200 पावर में आप इवनिंग आवर में एक बार लीजिए। ये दो मेडिसिन आपके लिए अच्छी है। खाना पीना हल्का, भोजन लीजिए इजीली डाइजेस्टेबल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है संदीप जी का, लिखते हैं एज 28 है, शादी को 18 महीने हो गए हैं, बच्चे नहीं हो रहे, नहीं कंसीव नहीं हो रहा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, लो टेस्टोस्टेरोन ने दवा बताएं। सर इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है इसके लिए मेरी काफ़ी मेडिसन्स है और काफ़ी वीडियोस हैं जो मैंने बता रखे हैं, उनको आप देख सकते हो। लो टेस्टोस्टेरोन पे मेरे अलग से वीडियो, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पे 8-10 वीडियो है, और होम्योपैथी उसके अंदर बहुत अच्छे, बिना कोई साइड इफेक्ट, बिना कोई नुकसान, बिना हैबिट फॉर्मिंग, नेचुरल वे के अंदर आपकी बॉडी उसको रिकवर कर लेती है। तो टेस्टोस्टेरोन वाले आप वीडियोस देखें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इस चीज़ के लिए प्रॉपर अपना डिस्कशन करके, प्रॉब्लम क्या रही है, पुरानी कोई हिस्ट्री रही है क्या बॉडी में, और क्या क्या कंप्लेंट्स है जो आपको आ रही है, तो डिस्कस करके आप ट्रीटमेंट लेंगे बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने नज़दीक में कोई होम्योपैथिक डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं, अगर मेरी क्लिनिक पे आना चाहते हैं आसपास से बिलोंग कर सकते हैं, तो जोधपुर राजस्थान के अंदर है ये क्लिनिक, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप टेलीफोन से बात करना चाहते हैं जैसे अभी आना नहीं चाह रहे हैं, तो उसके लिए मोबाइल नंबर है 9664269797, इस पर सुबह आप 10:30 to 5:30 बीच अपॉइंटमेंट लेके अपनी बात भी कर सकते हैं। प्रॉपर मतलब डिस्कस करके ट्रीटमेंट लीजिए, ये कहना चाह रहा हूँ, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, होम्योपैथी डेफिनेटली क्योर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरती जी का, लिखते हैं एज 40 इयर्स है, हेयर ग्रोथ नहीं है, 15 इयर्स की एज के बाद ग्रोथ नहीं होती है, बालों की एक फिक्स ग्रोथ के बाद बाल होगी। देखिए काफ़ी फीमेल्स के अंदर ऐसा देखने को मिलता है, खास करके इसमें दो चीज़ें आपको जरूर देखना चाहिए, तो फैमिली हिस्ट्री आपकी जैसे फीमेल्स के अंदर मैटर करता है। मान लीजिए आपकी मम्मी को भी या बड़ी सिस्टर्स वगैरह को भी इस तरह की हेयर की प्रॉब्लम रही है कि एक फिक्स टाइम के बाद हेयर ग्रोथ नहीं होना या बाल उतना ही होना, बाल सिर में कम होना करना, अगर ये चीजें होती है तो फैमिली का भी एक हिस्ट्री होती है, उसको देख लें। सेकंडली आप अपनी डाइट के ऊपर थोड़ा सा काम करें, हेल्दी डाइट लीजिए, और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिंस डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी। एक तो जेबोरंडी का हेयर ऑयल आएगा उसको आप जरूर लगाएं, जेबोरंडी हेयर ऑयल, वो आपकी हेयर ग्रोथ में आपकी मदद करेगा। और नेक्स्ट दो मेडिसिन बताता हूं, विस्बाडेन आएगी 30 पावर में सुबह शाम मिल जाएगी, लेनी होती है, और सेलेनियम को 30 पावर में सुबह शाम, ये दो मेडिसिन सुबह शाम लीजिए, डाइट पे काम कीजिए, जेबरंडी हेयर ऑयल लगाइए। और अगर फैमिली हिस्ट्री है तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आता है, फिर आपको ठीक है जो है वो हेयर अच्छी तरह से मेंटेन रहे, और उनको थोड़ा सा आप अच्छा वॉल्यूम देने की कोशिश कर सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कमल जी का, कुमार रवि जी का, लिखते हैं एज 37 ईयर्स है, चेस्ट में लेफ्ट साइड में पेन रहता है और कड़क कड़क किसी आवाज़ आती है। देखिए सर अगर ये कार्डिक पेन नहीं है जैसा आपके क्वेश्चन हालांकि काफ़ी लंबा छोड़ा लिखा था, तो ये रिब्स का पसलियों का जो इस तरह का दर्द होता है उसके लिए दो मेडिसिन बहुत अच्छी काम करती है। एक तो ब्रायोनिया, उसको 30 पावर में सुबह शाम लेना चाहिए, एक रेनेनकुलस आती है उसको 30 पावर में सुबह शाम लेना चाहिए। दोनों मेडिसिन जो इस तरह का पेन होता है उसमें अच्छे रिजल्ट देती है। और अगर फिर भी आराम नहीं मिलता है तो मैं आपको एडवाइस करूँगा एक बार चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर साहब से आप जरूर मिलें, तो वो आपके एक्सरे वगैरह करके और थोड़ा केस को प्रॉपरली देख भी लेते हैं कि और कोई हिस्ट्री या कुछ ऐसा तो नहीं, उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट लीजिए। बाकी ये दो मेडिसिन अक्सर ऐसे केसेस में अच्छे रिजल्ट देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोज जी का, लिखते हैं एज 22 इयर्स है, सेक्स की इच्छा नहीं होती है। सर सबसे पहली बात तो मैंने अभी बताया कि जब इस तरह का बिल्कुल ही हो तो ये तब भी हो सकता है जब हमारी कुछ पुरानी हैबिट्स काफ़ी ज़्यादा खराब रही हो, उसके कारण भी ऐसी दिक्कत आती है, और एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की डिफिशियंसी के कारण भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है। आप मेरे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वाले वीडियोज़ देख सकते हैं, और इसके लिए वही मैं आपको एडवाइस करूँगा कि ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, हर आदमी की अलग अलग हिस्ट्री और कॉम्प्लिकेशंस, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप केस को डिस्कस करके ट्रीटमेंट लेंगे तो अच्छा रहेगा। नज़दीक में आपके कोई होम्योपैथिक डॉक्टर साहब उनसे मिले, मेरे आसपास से बिलोंग करते हैं, मेरी क्लिनिक भी आ सकते हैं, टेलीफोनिक डिस्कशन करना है तो 9664269797 पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। रूटीन के अंदर अगर मैं आपको मेडिसिन बताऊं, देखिए डेमियाना मदर टिंचर अच्छा मेडिसिन है, इस पर मेरा वीडियो भी बना हुआ है, और अवैना सटाइवा मदर टिंचर अच्छी मेडिसिन है, उस पर वीडियो बना हुआ है। इन दोनों मदर टिंचर को आपको 10 से 15 बूंद सुबह शाम एक कप गुनगुने पानी में लेना चाहिए, बट बेटर ये रहेगा अपना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी आप चेक कराएं, और कोई हिस्ट्री रही है तो उसको डिस्कस करके ट्रीटमेंट लीजिए, ये चीजें ठीक हो जाती है, चिंता की कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगद जी का, लिखते हैं 30 ईयर से सेक्स में कमी है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, प्रीमेच्योर इजुकुलेशन है। वही क्वेश्चन का आंसर रहेगा कि इन चीजों में जितना डिस्कस करके लेंगे उतना अच्छा है। मेडिसिंस की बात करूं अगर रूटीन के अंदर, तो डेमियाना मदर टिंचर बहुत अच्छी मेडिसिन और अश्वगंधा मदर टिंचर इसके लिए अच्छा है, ये दोनों पे मेरे वीडियो है, आप दोनों ही वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइवेट पार्ट में खुजली है, लाली है। प्राइवेट पार्ट की जो खुजली और लाली होती है उसके लिए तो बेसिलिनम है, उसको लेना चाहिए सप्ते में एक बार, 200 पावर को एवरी संडे लेना चाहिए। और नेक्स्ट है टेलोरियम 200, सीपीआर 200, आर्सेनिक एल्बम 200,
इन तीनों मेडिसिन को 200 पावर में सुबह शाम लेना चाहिए। हफ्ते में एक बार सारे आपके कपड़े गर्म पानी में धुलने चाहिए। और ये मेडिसिन थोड़ा लंबे समय तक लेना होता है क्योंकि ये चीज़ें जल्दी से पीछा नहीं छोड़ती है, तो थोड़ा पेशेंस और कंटिन्यूटी के साथ ट्रीटमेंट लीजिए, ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडी में दर्द। तो एडी में दर्द के लिए देखिए होम्योपैथी बहुत अच्छी, अगर मेडिसिन बताऊं तो कैल्केरिया फ्लोर 6x है, उसकी 4-4 गोली दिन में 3 बार लेना चाहिए। रूटा को 200 पावर में सुबह शाम लेना चाहिए। साइक्लामेन को 30 पावर में सुबह शाम लेना चाहिए। और एरेनिया डाइडेमा आती है उसको 30 पावर में सुबह शाम लेना चाहिए। ज़्यादातर केसेज में चाहे एडी के अंदर मान लीजिए वहाँ मांस का कोई दर्द है या अगर बोन के अंदर हड्डी की ग्रोथ है तो उसको ये ठीक कर देती है। एडी दर्द का या हील पेन का कैल्केनीज इस पर का मेरा अलग से वीडियोज भी बने हुए, आप और डिटेल के लिए वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुण जी का, लिखते हैं एज 50 ईयर्स है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है ड्यू टू एलोपैथिक मेडिसिन, लंबे समय तक ले रहे हैं 15 साल से, दवा बताइए। सर इस एज के अंदर और जो लंबे समय तक आपने सही बताया, बहुत सी मेडिसिन होती है जैसे डायबिटीज का हो गया है और ब्लड प्रेशर की मेडिसिन वगैरह, उनमें बहुत सी मेडिसिन होती है जिसके कारण इस तरह के इश्यूज आते हैं और कुछ एज रिलेटेड बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं। मैं एडवाइस करूंगा फिजिकल एक्टिविटी करें, सबसे पहले तो फिजिकल एक्टिविटी आप जरूर करें जिससे आपके मसल्स के अंदर स्ट्रांगनेस आए और सेकेंडली ओवरऑल बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना रहे। और जो भी आपकी डिजीजेज है उसके साथ आप जो है थोड़ा सा योगा प्राणायाम वगैरह करें, उसके साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो भी बीमारी के मान लीजिए डायबिटीज का है ब्लड प्रेशर का है तो उसके लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन साथ में ऐड करें। उससे क्या होगा कि डॉक्टर्स के गाइडेंस में होना चाहिए सब कुछ, सेल्फ डिसीजन बिल्कुल नहीं लेना, इनको मैनेज करना होता है, प्रॉपर मॉनिटरिंग और सारी चीजें होती है। उससे क्या होगा कि आपकी जो भी एलोपैथिक मेडिसिन है उनकी डोज बढ़ेगी नहीं आने वाले समय, वरना तो और बढ़ती जाएगी, डोज बढ़ाते हैं और वरना डोज बढ़ेगी नहीं। और अगर आप प्रॉपर पूरा डिसिप्लिन रखेंगे तो धीरे धीरे जो मेडिसिन चल रही है वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है, लेकिन सारी चीज़ें डॉक्टर्स के गाइडेंस में होगी, आप अपना सेल्फ डिसीजन इसमें नहीं कर सकते। और रूटीन में आपने जो प्रॉब्लम बताया उसके लिए अगर मैं सीधी मेडिसिन बताऊँ आपको तो नक्स ओमिका को 1 mg/hr में आपको लेना चाहिए और उससे ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। मान लीजिए मैं आज ही मेरी मेडिसिन शुरू करूँगा इन प्रॉब्लम्स की, तो नक्स ओमिका 1 mg की एक डोज में मतलब 2 बूंद में आज ले लूँगा शाम के टाइम, शाम को 6 बजे के बाद में, और उसके बाद 1 महीने बाद रिपीट करूँगा। फिर कुछ मेडिसिन है रूटीन में रहूँगा जैसे लाइकोपोडियम 1 mg एवरी संडे, हर संडे को एक बार लाइकोपोडियम 1 mg सुबह लेनी होती है। और 2 मदर टिंचर डेमियाना मदर टिंचर की 15-15 बूंद सुबह शाम, जिनसेंग मदर टिंचर की 15-15 बूंद सुबह शाम। मेडिसिन अच्छी कंपनी की रैकवैक वगैरह जैसे मेरी क्लिनिक में यूज़ करता हूँ, SBL यूज़ करता हूँ, आप भी अच्छी कंपनी की यूज़ कीजिए। डेमियाना और जिनसेंग मदर टिंचर की 15-15 बूंद सुबह शाम लीजिए, दोनों पे मेरे वीडियोज़ बने हुए आप देखेंगे और आपको हेल्प मिलेगी। एक टेस्ट ही सिकाटी आती है 3x पावर में, उस पर भी मेरा वीडियो हालांकि बना हुआ है, उसकी 2-2 गोली दिन में 3 बार चूसी। ये मेडिसिन है जो मैंने रूटीन में जो इस एज में प्रॉब्लम्स आती है उसके लिए बताइए, डेफिनेटली ये मेडिसिन भी आपकी हेल्प करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारकनाथ जी का, होम्योपैथिक दवाई कब तक लेना चाहिए। ये बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है और अच्छा क्वेश्चन है जो मैं अप्रिशिएट करूंगा इस क्वेश्चन को कि होम्योपैथिक दवाई आपको कब तक लेना चाहिए। देखिए होम्योपैथिक दवाई कब तक लेना चाहिए इसका क्या होता है कि हर बीमारी पर डिपेंड करता है। मान लीजिए आपने एक मेडिसिन ली, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ कि आपने सिर दर्द के लिए मेडिसिन ली, हेडेक, तो आपने हेडेक की मेडिसिन ली, कोई भी डॉक्टर ने आपको कोई मेडिसिन दी प्रिस्क्राइब की, या मान लीजिए आप ले रहे हो या दे रहे हो, आप डॉक्टर हैं अगर किसी को दे रहे हैं या आप ले रहे हैं तो आप मेडिसिन लीजिए। और जब मेडिसिन प्रॉपरली सेलेक्ट हो गई आपको दे दी और उस मेडिसिन से जब आपको रिलीफ आना शुरू होता है कि जब मैं ठीक हो रहा हूँ तो आप उस मेडिसिन को बंद कर दें और उसका जब तक वापस आप कंफर्टेबल चल रहे हैं आपको डोज रिपीट करने की जरूरत नहीं होती। जब आपको वापस हो सकता है कि आप 15 दिन ठीक रहे, आप 2 महीने ठीक रहे, उस टाइम लगता है कि वापस मुझे कुछ अटैक आया, उस टाइम वापस आप कुछ टाइम तक वापस दवाई ले लीजिए, जैसी लगे वापस ठीक है फिर बंद कर दीजिए। इस तरह से आप देखते हैं कि दवाई बंद हो जाती है और आपकी प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है। सेकेंड ऑप्शन ये भी होता है कि मान लीजिए आपको सिर दर्द है बहुत तेज हो रहा है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ रूटीन के अंदर कि आपने बेलाडोना ले लिया या आपने ग्लोनोइन ले ली, तो मान लीजिए ग्लोनोइन को 30 पावर में आपने इतना तेज सिरदर्द हो रहा था कि आपको उसके लिए जो है मतलब हर 30 मिनट से लेनी पड़ी मेडिसिन, तो जैसे ही आपको आराम मिलता जाएगा तो आप कुछ डोज आपने 30 मिनट से ले ली, फिर आप कुछ डोज 1 घंटे से लीजिए, फिर 2 घंटे से लीजिए, फिर उस तरह से जो है आप दिन में 3 बार लीजिए, 2 बार लीजिए, 1 बार लीजिए, इस तरह से आप टैपरिंग करके भी उसको बंद कर सकते हैं कि नहीं। दिन में मतलब आप 5 बार ले रहे थे फिर 3 बार कर दिया, फिर 2 बार कर दिया, फिर 1 बार कर दिया, फिर 2 दिन में 1 बार कर दिया, आप ऐसे भी अपनी मेडिसिन को बंद कर सकते हैं। और वरना अदरवाइज जब आराम पड़ा, अगर आप बहुत ही कम डोज, ये जो वो तो है जो रूटीन के अंदर मेडिसिन लेते जाते हैं उनके लिए ये सिस्टम ठीक रहता है कि आपने उसकी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम कर दी, और जो लोग की मतलब सिंगल डोज या कम मेडिसिन ले रहे हैं उनके लिए बेटर ये है कि जैसे रिलीफ पड़ा मेडिसिन बंद कर दीजिए, वापस कुछ अटैक आया फिर एक डोज ले लीजिए। उस टाइम कई बार मेडिसिन की आप पावर बढ़ा के भी ले सकते हैं, पर वो हर चीज अगर समझ में नहीं आता तो अपना सिंगल डोज वापस जो था उसको रिपीट ले लीजिए, हो जाएगा, ठीक हो जाता है और आप बंद कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फिरोजी का, लिखते हैं एज 22 इयर्स है, जेली लाइक म्यूकस का स्टूल आता है, ब्लड भी आता है, स्टूल सॉफ्ट है। देखिए और एक क्वेश्चन इनका होने लाइको 1M कितनी बार रिपीट कर सकते हैं, तो पहले लाइको 1M वाला बता देता हूँ। जैसा बाकी मैंने बताया लाइकोपोडियम 1M एक डीप एक्टिंग मेडिसिन है, तो डिपेंड करता है कौन सी बीमारी के लिए ले रहे हैं। जैसे अभी मैंने एक केस में बताया था कि हर संडे को लेना है, कुछ केसेस में लाइको 1M को ओडी भी रिकमेंड किया जाता है अगर उसकी एक्यूट कंडीशन होती है और हाई पावर की वहाँ जरूरत होती है तो। अदरवाइज रूटीन के अंदर लाइकोपोडियम 1M को 15 दिन में या महीने में एक बार रिपीट किया जाना चाहिए, रूटीन की मैं मोस्ट ऑफ द केसेस को आपको बात कर रहा हूँ। तो टोटली डिपेंड करता है क्या बीमारी है, क्या उसकी सीवियरनेस है, सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। और बाकी आपका जो स्टूल के अंदर म्यूकस आ रहा है, थोड़ा बहुत ब्लड आ रहा है, उसके लिए मेडिसिन बताऊँ तो अलोए को 200 पावर में सुबह शाम लीजिए, सोल को 200 पावर में सुबह शाम लीजिए, और एगल फोलिया मदर टिंचर आएगी उसकी आप 10-10 बूंद सुबह शाम एक कप गुनगुने पानी में लीजिए, सारी प्रॉब्लम्स आपकी ठीक हो जाती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मेंद्र जी का, लिखते हैं बेटा 12 साल का और मेंटली रिटार्डेड है, मतलब सीधी सी बात है मानसिक रूप से बच्चे का पूरा विकास नहीं हो पाया, बहुत से केसेस के अंदर होता है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम आ रही और न्यूरो की दवा चल रही, न्यूरो वाले डॉक्टर साहब उनकी दवा चल रही। धर्मेंद्र जी कोई चिंता की बात नहीं, इसमें होम्योपैथी बहुत अच्छे रिजल्ट देती है आपके लिए, गुड न्यूज में ये दूंगा, आप अपना जो भी ट्रीटमेंट दे रहे कंटिन्यू रखें। आप जहां भी सर रहते हो आप कोशिश करें नजदीक में कोई डॉक्टर साहब से मिलें, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट लंबे समय तक चलेगा, ऐसा नहीं मैंने आज एक दवाई दे दी और उसको देते ठीक होगी, इसका ट्रीटमेंट लंबे समय तक डिपेंड रहेगा। प्रेगनेंसी के अंदर जब बच्चा अपनी मम्मी के मतलब पेट में था, जब उनकी मदर प्रेग्नेंट थी उस टाइम क्या वो कोई दवाई ले रहे थे, कोई उस टाइम उनकी मेडिसिंस तो नहीं चल रही थी प्रेग्नेंसी के टाइम, ये भी देखना होता है। फैमिली हिस्ट्री के अंदर कुछ ऐसा तो नहीं है, बच्चे की और कोई हिस्ट्री तो नहीं रही है उसके कारण तो ऐसा नहीं है, क्या बाई बर्थ ऐसा है, तो सारा केस प्रॉपरली समझना होता है, ट्रीटमेंट लंबा चलना होता है, उसके बाद अगर मेडिसिंस लेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप होम्योपैथी जरूर लीजिए, जहाँ भी रहते हैं डॉक्टर साहब से मिलें उनसे, और अगर मेरे आसपास रहते हैं तो क्लिनिक पे आ सकते हैं, टेलीफोनिक डिस्कस कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमजीत जी का, लिखते हैं केसकरा से क्यू के साथ हाइड्रेक्सिस क्यू मिलाकर ले सकते हैं क्या? सर दोनों दवाइयों को आप बिल्कुल साथ में ले सकते हो, लेकिन मेरी एडवाइस ये है दोनों को मिलाइए मत, क्योंकि केसकरिया जो सेग है इसकी रूटीन के अंदर जो हम डोज देते हैं 15-15 बूंद दिन में 3 बार एक कप गुनगुने पानी में देते हैं, और हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर को 15 बूंद देने की जरूरत नहीं होती, यूजुअली इसकी 5 ड्रॉप्स बहुत होती है, 5-5 बूंद अगर आप दिन में 3 बार देंगे या 1 बार या 2 बार देते हैं तो ही बहुत ज्यादा, डिपेंड करता है कौन सी बीमारी में। अगर यूजुअली कॉन्स्टिपेशन में भी हाइड्रेस्टिस की बहुत अच्छी मेडिसिन है, अगर आप वहां भी यूज कर रहे हैं तो हाइड्रेस्टिस की 5 बूंद ही सुबह शाम ले लीजिए, केसकरा से 15 ड्रॉप्स ले लीजिए, तो दोनों को साथ में ले सकते हैं, पर मिक्स मत कीजिए, अलग अलग एट ए टाइम उसी कप में केसकरा ले लिया और आपने 2 मिनट बाद हाइड्रेस्टिस ले लिया, इस तरह से आप साथ में ले लीजिए, ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबिर जी का कि डायबिटिक पेशेंट्स कालीफोस ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, आप कालीफोस 6x पावर में लीजिए, उससे आपका शुगर लेवल वगैरह नहीं बढ़ता है, आप उसको ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाम अली जी का, लिखते हैं कि एच पाइलोरी है, पेट फुला हुआ रहता है, खाना हजम नहीं होता है, मुंह में खटास बना रहता है, पेट दांत तक खट्टे हो जाते हैं, इतनी एसिडिटी बहुत ज्यादा है कि दांतों तक खट्टा आपन आ रहा है, एसिडिटी है, सिरदर्द है, पेट के नीचे वाले हिस्से में फुलावट है। दोस्त आपके लिए सर अगर मैं मेडिसिन सजेस्ट करूँ तो लाइकोपोडियम लीजिए 200 पावर में रोज सुबह सुबह दिन में एक बार, अलोय को 200 पावर में सुबह शाम लीजिए, और एक मेडिसिन आएगी एसिड सल्फ जिसको सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, उसको 30 पावर में सुबह शाम लीजिए। एसिड सल्फ या सल्फ्यूरिक एसिड पे मेरा वीडियो भी बना है, उसको आप जरूर देखें, क्योंकि आपके जितने भी सिम्टम हैं इतनी एसिडिटी की दांतों में तक खट्टापन आ जाना कर जाना, इसकी जो बेस्ट मेडिसिन है वो एसिड सल्फ 30 है, उसको आप जरूर लें, और एक मेडिसिन साथ में सल्फर को 200 पावर में आप संडे को एक बार ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबिर जी का, लिखते हैं इरेक्शन फोरप्ले में ही कम हो जाता है और बहुत ट्रीटमेंट लिया पर आराम नहीं पड़ रहा। साबिर जी आपसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पहले भी आए थे, तो मैंने काफ़ी वीडियोस भी इन टॉपिक्स पे बना रखे हैं, आप वो भी देख सकते हैं, जैसे साइडोनिया वल्गैरिस मदर टिंचर, न्यूफर मदर मदर टिंचर, योहेम्बिने मदर टिंचर, डेमियाना मदर टिंचर, असुगंधा मदर टिंचर, इन वीडियोस को आप देख सकते हैं, एग्नेस कैस्टस का आप वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस नॉलेज के लिए देखिएगा, क्योंकि हर आदमी की अलग हिस्ट्री होती है, प्रॉब्लम्स होती है, कहीं का टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, किसी की कुछ हैबिट्स पुरानी गलत पड़ गई, उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन लीजिए, डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा, डिस्कस करके लीजिए कोई भी डॉक्टर से ले रहे तो, क्योंकि आपने पहले काफी आप परेशान हो चुके और जहाँ भी है प्रॉपर गाइडेंस में ट्रीटमेंट लीजिए, बिल्कुल आपके ठीक हो जाएगा। जो मैंने बताया इन टॉपिक्स पर वीडियोस भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे, आपको और समझने को हेल्प मिलेगी कि एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, किस तरह से आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। दोस्तों ये सब मैंने काफ़ी क्वेश्चंस लेने की कोशिश की, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो रह गए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप उनको डालें, मैं उनका आंसर देने की कोशिश करूंगा। और नेक्स्ट अपना वीडियो कल आएगा 6 जून 2020 को, जिसमें हम एंजाइटी के बारे में बात करने वाले, बहुत ही कॉमन टॉपिक है और बहुत लोग परेशान, उसके कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन करें, मैं उनका 7 जून को आंसर देने की कोशिश करूंगा। मैं आप वीडियो को जितना जल्दी देखते हो इनिशियल शुरू के क्वेश्चन से लेना शुरू करता हूँ, और नेचुरली लगभग 20 क्वेश्चन ले पाता हूँ, इससे ज़्यादा क्वेश्चन लेना पॉसिबल नहीं है, तो आप जितना जल्दी क्वेश्चन पुट करेंगे मैं उतना जल्दी आंसर देने में मदद करेगी।
क्लिनिक आना चाहते हैं तो क्लिनिक का एड्रेस जो है जोधपुर राजस्थान के अंदर है, यश होम्योपैथिक सेंटर शास्त्री नगर के अंदर, और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। टेलीफोनिक बात करना चाहते हैं तो 9664269797, मॉर्निंग में 10:30 to 5:30 ओपन रहता है। इस पर आप अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। जैसे बात करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो सकता, आप समझ सकते हैं कि शेड्यूल बिजी है। जैसे इस टाइम भी मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो बाकी टाइम क्लिनिक के काम बिजी होता हूँ, तो ऑन अपॉइंटमेंट बात हो पाती है। अदरवाइज आप क्लिनिक आ सकते हैं, नियर बाई डॉक्टर साहब से भी मिलकर बात कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आपकी जो भी क्यूरी है आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके उसको सर्च करें, आपको ज्यादातर तो वहीं सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू।